अजमेर शहर में अभी 72 घंटे के अंतराल में पानी दिया जा रहा है, लेकिन कई लोग बूस्टर और मोटर लगा कर पानी भरते हैं जिससे आम जन को पूरे प्रतिशत पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि जब बूस्टर लग रहे हैं, अवैध बूस्टर और मोटर लग रही है, उनको जब्त किया जाए या पेयजल सप्लाई के समय 1 घंटा विद्युत आपूर्ति बंद की जाए ताकि लोगों को पूरे प्रतिशत पानी मिले। इस बाबत हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। इसके साथ ही जलदाय विभाग हो और साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर अनुरोध करेंगे कि पेयजल सप्लाई के समय 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाए तो पूरे क्षेत्र में लोगों को पेयजल पूरे प्रतिशत से मिलेगा और काफ़ी हद तक पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। प्रेशर भी काफ़ी कम आ रहा है। 72 घंटे में पानी देने के बाद प्रेशर कम आ रहा है, इससे आमजन में बहुत नाराजगी है, जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत व्याकुल है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हमने ये बीड़ा उठाया कि जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाया जाए और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि पेयजल सप्लाई के लिए विद्युत सप्लाई को बंद की जाए ताकि लोगों को पूरे प्रतिशत से पानी मिले और आमजन में शांति के माहौल पैदा रहे। करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर।